बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा से एक बहुत बड़ा अपडेट है। कनाडा में सिर्फ एक साल की एजुकेशन के बाद भी आप पीआर के लिए कैसे एलिजिबल बन सकते हैं, अमरजीत सिंह कंवर हमें बताएंगे। ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं। बहुत ध्यान से आप पूरी वीडियो सुनिए, पूरी इंफॉर्मेशन कंवर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। कंवर साहब, मैं चाहूंगा पूरा एक्सप्लेन करें आप इस क्वेश्चन को। पुराने रूल्स, पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग कनाडा में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेने के लिए, जो वीजा बाद में आपको पीआर के लिए एलिजिबल करता है, वो लेने के लिए आपको कम से कम 2 साल स्टडी करना एक मैंडेटरी रूल था। चाहे आप ग्रेजुएट जा रहे थे, चाहे प्लस टू के बाद जा रहे थे, लेकिन दोनों ही केस में आपको 2 साल कनाडा में पढ़ना पड़ता था, और वो 2 साल पढ़ने के बाद ही आप कनाडा में पीएसडब्ल्यू वीजा और उसके बाद अपनी पीआर पॉसिबल कर सकते थे। बट जो न्यू रूल्स आए हैं, जिनके अंदर अब आप कनाडा के अंदर अपना पीएसडब्ल्यू मास्टर्स करके ले सकते हैं, तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि अब उन्हें कनाडा में 2 साल पढ़ना पड़ेगा। वो यहां से मास्टर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फास्ट ट्रैक मास्टर्स प्रोग्राम देती हैं। फास्ट ट्रैक मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो मास्टर्स प्रोग्राम है, एक्चुअली वो 2 साल का ही है, वीजा 2 साल का ही आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रेडिट्स, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एडवांस पढ़ सकते हैं और अपनी मास्टर्स को तकरीबन साल से सवा साल के अंदर खत्म कर पाएंगे पूरी मास्टर्स। और ग्रेजुएट होने के बाद जो कनाडा का नया रूल आ चुका है कि अब जो बच्चे कनाडा में ग्रेजुएट होंगे, चाहे वो प्लस टू के बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं और चाहे मास्टर्स करके ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकते हैं। और जो ग्रेजुएट नहीं हो रहे, जो मास्टर्स नहीं कर रहे, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर प्लस टू के बाद कोई डिप्लोमास कर रहे हैं, तो उन्हें 2 साल ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रेजुएट होंगे, जो मास्टर्स करेंगे, उनको अब सिर्फ 1 से 1.25 साल के अंदर अपनी स्टडी खत्म करके अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेके, और फिर मास्टर्स वालों का पीआर भी तकरीबन 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही आ जाता है, तो क्योंकि आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं मास्टर्स जुड़ने के बाद, तो आप 1 से 1.25 साल के अंदर ही अपना सारा जो काम है सेटलमेंट्स का वो फास्ट ट्रैक पे चला सकते हो। तो ये एक रिलैक्सेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सही से आपको पता होगा तो आप सही से अपने करियर डिसीजंस बना सकते हैं। मास्टर्स में जाने के लिए मैं ये भी बता दूं कि आयल स्कोर 6.56 नहीं चाहिए, ओवरऑल 6 भी चलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसी स्कोर पे आपको मास्टर्स भी दे देंगी प्लस फास्ट ट्रैक में मास्टर्स भी करवा देंगी। सो डू नॉट डिले योर एप्लीकेशंस। जितने भी ग्रेजुएट हैं वो एक पैसे की गलती ना करें कि वो कहीं पर भी पीजी डिप्लोमा ले लें, ये उनके लिए एक बड़ी गलती होगी। आप लोगों के लिए मास्टर्स ही बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा, एक और बड़ा फायदा मास्टर्स का ये भी होगा आपको कि आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकेंगे, एक साथ वीजा हासिल कर सकेंगे, और मास्टर्स में जाने वाले लोगों को पीएएल नहीं चाहिए, तो आपको प्रोविंस की तरफ नहीं देखना है कि मुझे पीएल मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपने जो भी नेक्स्ट इनटेक है उसके लिए अपनी फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं। सो ब्रॉडवे टीम से मिलें, सही से अपने प्रोफाइल्स की डिस्कशन करें, अपनी ऑप्शंस लें और अपने रास्ते को आसान करें। थैंक यू सो मच कंवर साहब, बहुत ही स्टीक इन्फॉर्मेशन अमरजीत सिंह कंवर जी ने हमारे साथ शेयर की है। 9023890238 इस नंबर पे आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ब्रॉडवे इमिग्रेशन की नियर बाय ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।